हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव जागो गौराचांद बोले। इस कीर्तन का नाम है अरुणोदय कीर्तन और लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, जैसा कि हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे जीव, यानी हम सब लोगों को, तुम लोग जगो, ऐसा गौराचांद बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कौतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। बहुत सालों से, बहुत समय से तुम लोग सब पिशाची के गोद में सो रहे हो। बहुत दिनों तक, कितने दिनों तक सो गए ऐसा पिशाची के गोद में। कौतो निद्रा, बहुत निद्रा मतलब सो रहे हो। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भितौरे, भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार भरे। जब तुम इस दुनिया में आने वाले थे, माँ के गर्भ में थे, तब तुमने कहा था कि हे भगवान, मुझे सुरक्षित इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए और मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जब तुम बाहर आए तो तुम भूल गए इस बात को। अविद्या के कारण तुम भूल गए कि मुझे भजन करना है, ठीक है, माया में फंस गए। तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। तुमको लेने के लिए मैं इस दुनिया में अवतरित हुआ हूँ। मेरे सिवाय और तुम्हारा कोई बंधु नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। मैं एकमात्र तुम्हारा मित्र हूँ। एने छी औषधि माया नाशी बार लागी होरी नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। तो मैं इस दुनिया में अवतरित हुआ हूँ ताकि तुम्हें इस अविद्या रूपी सागर से, इस दुनिया से, जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकूँ। और एक दवाई लेकर आया हूँ, औषधि यानी दवाई, जो इस माया का नाश कर देगी। अभी तुम माया में फंसे हो और इस माया का नाश करने के लिए एक दवाई लाया हूँ मैं। और वो दवाई क्या है? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, होरि नाम महामंत्र। तो तुम मांग करके मेरे से ये हरि नाम ले लो। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मांगिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर मैंने ये हरि नाम महामंत्र महाप्रभु से मांग लिया। तो हम सब लोगों को भी भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं कि भगवान जो मंत्र लेकर आए हैं जिससे हम इस अविद्या रूपी सागर से बाहर निकलेंगे, उसको हमें भगवान से मांग करके लेना चाहिए, ताकि हम जो बोले थे कि भजन करेंगे भगवान आपका, उस बात को हम पूरा कर सकें। ठीक है, ये है शॉर्ट में इस भजन का अर्थ।